हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स। तो आपको पता है कि हम एक इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस वाली सीरीज चला रहे हैं, जहां पर अभी तक चार वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हो चुके हैं, यानी कि अभी तक आपके लिए हम 100 क्वेश्चंस ला चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो के बाद आपके 125 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ये सभी वीडियोस हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली, वहाँ पर जाकर आप सभी देख सकते हो। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा, ये सब कुछ अगर आप रिवाइज़ करना चाहते हो कभी भी, तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jklatesinfo.com पे जाओगे, वहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना तो आपको एक सेशन मिलेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला, वो प्रैक्टिस सेट पे क्लिक करना, फिर आप वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे सेट बाय सेट। लास्ट हमने सेट 4 डिस्कस करा था, वहाँ पर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे। आज हमारा एक बार फिर से सेट 5 रहने वाला है, ये जनरल साइंस आपका रहने वाला है। आपको पता है भी जनरल साइंस के एक दो सेट ही हमारे डिस्कशन वगैरह, तीसरा सेट है मेरे ख्याल से जनरल साइंस वाला, तो अभी भी इतने हार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं रहने वाले हैं। जैसे मतलब मान के चलो सेट टोटल 7-8 सेट कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपको लगेगा कि ये खुद ही जो क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट लेवल बढ़ता जा रहा है, तो अभी ये एक्सट्रीम लेवल तक जाने वाला डिफिकल्टी लेवल, आप देखने कहाँ क्वेश्चन पहुँचेंगे, बट पहले बेसिक्स क्लियर कर लो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके सामने स्क्रीन में रहा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू, 1 न्यूटन की बात करें ये किसके बराबर होता है, 10 डाइन के बराबर, 10^5, 10^2 या फिर 10^7 डाइन के बराबर होता है। तो देखो ये जो डाइन आपको देखने को मिल रहा है, ये एक्चुअली में न्यूटन क्या है, न्यूटन एक फोर्स के एसआई यूनिट है, फोर्स के एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है, आप सभी को पता है, ठीक है। लेकिन एसआई यूनिट तो अभी आई है, पहले सीजीएस सिस्टम पर चलता था, सीजीएस सिस्टम पर चलता था, मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाला भी चला करता था। तो सीजीएस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर जो फोर्स की यूनिट है वो डाइन बन जाती है। तो यहाँ पे पूछा गया 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, तो 1 न्यूटन की बात करें 10^5 डाइन के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, इसका आंसर चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल जो है वो किसके बराबर होता है भाई, 10^7 अर्क, 10^2, 10^5 टेन अर्क के बराबर किसके बराबर होता है। अब देखो भाई ये क्वेश्चन तो ऐसे कि हालांकि कुछ के लिए बेसिक्स होंगे, कुछ के लिए डिफिकल्टी भी होंगे, बट जो भी है क्वेश्चंस मेरे लिए अगर हम डिसाइड करें अपने हिसाब से तो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस चलते हैं। तो अर्ज भी जो है एनर्जी के एसआई यूनिट, आप सीजीएस यूनिट आप कह सकते हो। तो 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 जूल जो 10^7 अर्ज के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं, चलो जी इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आ जाएगा। विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो कि स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो भाई सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको आपको किसी को एक्सप्लेन करना है। फिर स्केलर क्वांटिटीज़ की बात करें, इनका मैग्नीट्यूड भी होगा और इनकी डायरेक्शन भी होगी। दूसरी तरफ अगर वैक्टर की बात करें, उनका मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन डायरेक्शन उनकी नहीं होती है, ये कंडीशन होती है। सॉरी स्केलर की बात करें, उनका मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी। वेक्टर की बात करें तो उनका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन दोनों की दोनों चीज़ें रहने वाली हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है स्केलर क्वांटिटी कौन सी है इनमें से, तो स्केलर का मतलब क्या है, स्केलर का मतलब है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन की जरूरत नहीं भी पड़ने वाली है। देखो वेलोसिटी की बात करो, एक्सेलरेशन की बात करो, फोर्स की बात करो, यहाँ पे हर जगह यहाँ पे क्या रहने वाला है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या एक स्केलर क्वांटिटी है, तो सॉरी डिस्प्लेसमेंट की बात करें वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो वेलोसिटी क्या वेक्टर है, एक्सेलरेशन तो हो गया चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन भी आपके पास क्या होगा, आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होगी, फोर्स भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, बचा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्केल क्वांटिटी और एग्जांपल जैसे मास के एग्जांपल हैं, किसी का मास 5 kg है, 15 kg, 25 kg है, तो वहाँ पर डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है कि 25 kg लेफ्ट साइड में या राइट साइड में है, वो बताने की जरूरत नहीं है, तो मास क्या हो गया, स्केल क्वांटिटी हो गया। इस तरह से और भी जैसे वॉल्यूम की बात कर लो, वॉल्यूम आपको थोड़ी बताते हो कि इस तरफ इतनी वॉल्यूम, उस तरफ इतनी वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम क्या है वो भी स्केल क्वांटिटी हो गया, स्पीड क्या है स्केल क्वांटिटी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्केल क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए, वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर वेलोसिटी की एसआई यूनिट की बात करें मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन की बात करें मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स की बात करें न्यूटन, और डिस्टेंस की बात करें तो मीटर, ये इनकी एसआई यूनिट्स हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, बताइए भाई काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या हो जाएगी। आपको पता है मैकेनिकल एनर्जी की बात करें वो दो तरह की होती है, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी बॉडी में मतलब स्टोर्ड एनर्जी होती है, जैसे एक डैम है उसमें वाटर स्टोर करके रखा हुआ है,
तो वाटर स्टोर्ड है ना, उसमें कौन सी एनर्जी है अभी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जैसे इसका आप यहाँ पे गेट खोल दोगे तो पानी ऐसे फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। तो जो उस मूविंग वाटर की बात करें, जो कुछ काम करने का काबिल बन चुका है, उसमें कौन सी एनर्जी आ गई, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी किसके कारण होती है, मोशन के कारण होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MgH हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी की बात करें, उसको क्या हो जाएगा, 1/2 mv² जो है वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, हमने बात की उसका फॉर्मूला हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv². मैं एक बार इसको शॉर्ट में साइड में लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का आपको पता है फॉर्मूला होता है 1/2 m × v². ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। इसकी डायमेंशन आपसे पूछी गई हैं। अब मास का आपको पता है, मास की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, है ना, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो मीटर को लिखोगे l और सेकंड को टाइम को लिखोगे t। तो बढ़िया, इसका स्क्वेयर भी करना पड़ेगा, तो l2 t2 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, m l2 t-2। ये कहाँ देखने को मिल रहा है, m1 l2 t-2, ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर है डायमेंशंस का, तभी आपको समझ आएगा, वरना शायद से अभी समझ ना आए तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, आने वाली वीडियो में उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमें कहा गया है द वैल्यू ऑफ जी इज़ 0 एट, अगर जी की वैल्यू की बात करें वो 0 कहाँ पे होती है, अर्थ की सरफेस में या फिर अर्थ के सेंटर में, इंडियन ओशन में, फिर माउंट एवरेस्ट में। तो यहाँ पे पूछा गया जी की वैल्यू 0 कहाँ पर हो गई। देखो जी का आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस जी की वैल्यू की बात करें वो होती कितनी है, 9.81 m/s². अभी आपको बताना एक्सेलरेशन की सही मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो जी की वैल्यू होती है 9.81 m/s², ये होती है जी की वैल्यू। आपसे पूछा गया जी की वैल्यू जो है 0 कहाँ पर होती है, क्या अर्थ की सरफेस पे होती है, सेंटर पे, इंडियन ओशन या फिर माउंट एवरेस्ट। देखो जी की बात करें, अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें, अगर हाइट में जाओगे या डेप्थ में जाओगे तो जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, जी की वैल्यू जो है वहाँ पे वो कम होती जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें पोल्स में, तो पोल्स में जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ पे जी की वैल्यू पूछा 0 कहाँ पर होगी, तो जो इक्वेटर होता है ना वहाँ पे जी की वैल्यू 0 होती है, यानी कि सेंटर ऑफ अर्थ की बात करें वहाँ पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज गिवन बाय, एस्केप वेलोसिटी अगर अर्थ से सरफेस से बात करें वो कितनी होती है, किसी क्या फॉर्मूला यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, मतलब एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है अर्थ के सरफेस में। अर्थ एस्केप वेलोसिटी का मतलब है, जैसे अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो कितनी फोर्स आपको चाहिए कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल पाए, ताकि वो ऑब्जेक्ट वापस अर्थ में ना आ पाए, ऐसी फोर्स कितनी स्पीड से भेजेंगे उस ऑब्जेक्ट को, जो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रॉस करके अर्थ से बाहर निकल जाए, वापस अर्थ में ना आए। तो अर्थ में जो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो होती है 11.2 km/s। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा एस्केप वेलोसिटी की बात करें वो कहाँ पे है, वो जुपिटर प्लैनेट में, जुपिटर प्लैनेट में 63.4 km/s होती है। और वहीं मून की बात करें तो वो लगभग 2.37 km/s के हिसाब से होती है। तो अगर अर्थ के बारे में पूछा तो 11.2 km/s आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट थर्मल कंडक्टर, इनमें से क्या ऐसा जो कि बेस्ट थर्मल कंडक्टर है, हीट अच्छे से कनेक्ट करते हैं। वैसे तो देखा जाए डायमंड है, लेकिन इन चारों में से देखा जाए तो सिल्वर जो है वो बेस्ट थर्मल कंडक्टर है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है, 0 °C, -273 °C, -273 K या -273 F। यहाँ से आपसे पूछा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है। तो यहाँ पे देखो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है 0 K के बराबर। 0 K जो टेम्परेचर है वो कौन सा होता है, वो होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और 0 K होता है किसके बराबर है, ये होता है -273 °C के बराबर होता है। 0 K किसके बराबर हो जाएगा, -273 °C। और ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है -273 °C, ये होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस का कलर क्या रहता है, नाइट्रोजन गैस का कलर ही होता है, कलरलेस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, मुझसे ये सब मत नहीं पूछो, मुझे माफ़ करो। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स की बात करें, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मरकरी कौन से टेम्परेचर में जाके, कौन से पॉइंट पर जाके फ्रीज कर जाता है, आपके सब टेम्परेचर लिमिट दी गई हैं। तो यहाँ पे मरकरी के बारे में पूछा गया, बताइए वो कौन से। देखो मरकरी की बात करें अप्रॉक्सीमेटली 39 °C पे जाके वो फ्रीज हो जाता है। जैसे वाटर की बात करें 0 °C पे फ्रीज हो जाता है, वैसे यहाँ पे मरकरी के बारे में पूछा गया था। मरकरी बड़ा फेमस है, आप सभी को पता होगा जो भी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं। तो -39 °C जो है मरकरी वहाँ पे फ्रीज हो जाता है।
और वहीं अगर CO2 की बात, अगर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछ लिया जाए तो -70 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, और नाइट्रोजन की बात करें गैस के तो 210 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है और फ्रीज होता है। सभी फ्रीजिंग पॉइंट आपको बताइए, आप सभी आपको याद होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर, कॉपर CU की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? CU नाम क्यों पड़ता है? क्यूप्रम की वजह से, लैटिन वर्ड है CUPRUM, वहाँ से CU इसका सिंबल पड़ता है कॉपर का। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29 होता है। मास नंबर की बात करें, लगभग लगभग 63 के करीब करीब इसका मास नंबर रहता है। कौन से ग्रुप में आता है? अगर पीरियडिक टेबल की बात करें, ग्रुप 11, पीरियड नंबर कौन सा है? 4 वाला है ना, तो डी ब्लॉक एलिमेंट ये वाला है। तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, लगभग ये 250-300 डिग्री सेल्सियस पर जाकर तो बॉइल करना स्टार्ट करते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 250-300 है, यानी 2500 के करीब करीब जाके बॉयल करना स्टार्ट करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट द मेटल विच इज़ लाइटर देन वाटर, ऐसा मेटल बता जो कि पानी से भी हल्का होता है, वो कौन सा होता है? एल्यूमिनियम, सिल्वर, सोडियम या फिर मरकरी। देखो, हल्का होने का मतलब डेंसिटी कम होनी चाहिए। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? वाटर की तो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब 1000 किलोग्राम जो है 1 मीटर क्यूब में पानी आ जाएगा। 1 मीटर क्यूब का बॉक्स लो, वहाँ पर पानी कितना आ जाएगा? 1000 kg आ जाएगा। जबकि मैं एल्यूमिनियम का आपको रफ एस्टिमेट लगा के बताऊं तो एल्यूमिनियम का लगभग 2700, एक्यूरेट नहीं बता रहा हूं, लगभग बता रहा हूं 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। अगर हम सिल्वर की बात करें, देखो एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है, सिल्वर का सिंबल होता है Ag, इसकी बात करें तो लगभग लगभग 10,000 के करीब जो है इसका 10,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी रहती है। जबकि सोडियम की बात करें, इसका सिंबल Na रहता है, तो इसकी लगभग 960 के करीब करीब 968 ऐसे कुछ रहती है इसकी किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी रहती है। और मरकरी की 13,600 रहती है। तो देखो, पानी से हल्का कौन सा होगा? इसकी डेंसिटी कम होगी, तो सोडियम में जिसकी डेंसिटी पानी से कम है, तो 968 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो इसका मतलब वो मेटल जो पानी से भी हल्का है वो कौन सा है? वो हमारे पास सोडियम है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, मॉलिकुलर वेट आपको बताना है H2SO4, यानी कि सल्फ्रिक एसिड का मॉलिकुलर वेट बताना है। H2O का बन जाएगा 2, S का एटॉमिक मास नंबर 16 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा? 40, और यहाँ पे 64 के करीब बन जाएगा तो कितना बन जाएगा? 64 बन जाएगा ना, 4 से 24, 4 से 4 to 6 आ जाएगा, ये बन जाएगा। तो सल्फर का तो 32 आ जाएगा यहाँ पे, तो बताओ 64 और 64 98 यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कौन से टेम्परेचर में होती है? तो वाटर जो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला, अगर आप देखते हो ना कई बार की एक्वाटिक लाइफ जहाँ पे ठंड वगैरह पड़ती है, वहाँ पे झील वगैरह पूरी तरह से जम जाती है, वहाँ पे जैसे श्रीनगर की डल झील की बात करें, बर्फ जम जाती है, वहाँ पे झील जम जाती है, फिर भी एक्वाटिक लाइफ जिंदा रहती है, वो क्यों? वो ये कंसेप्ट रहता है वहाँ पे डेंसिटी का। वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पर होती है? 4 डिग्री सेल्सियस में होती है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पर होती है? डेंसिटी मैक्सिमम जो है 4 डिग्री सेल्सियस में होती है, इसको डेंसिटी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेम्परेरी हार्डनेस की बात करें, वाटर की टेम्परेरी हार्डनेस किसकी प्रेजेंस के कारण होती है? तो वाटर में टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट्स होते हैं उसके कारण होती है, और टेम्परेरी हार्डनेस को बॉयल करके हटा भी सकते हो। जबकि परमानेंट हार्डनेस की बात करें वो किसके कारण होती है? वो तो होते हैं डिजॉल्व क्लोराइड्स होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के, फिर सल्फेट्स कैल्शियम मैग्नीशियम के, इनके कारण क्या होता है? इनकी हार्डनेस होती है, और इसके कारण क्या होता है? टेम्परेरी हार्डनेस, इनके कारण परमानेंट। आपसे टेम्परेरी पूछा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा ऐसा जो एंडोक्रीन ग्लैंड नहीं है? देखो, एंडोक्रीन ग्लैंड कौन से होते हैं? आपको तो जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जैसे हार्मोन्स निकलते हैं, ये डक्टलेस होते हैं, ये एंडोक्रीन ग्लैंड्स होते हैं। तो पूछा इनमें से कौन सा एंडोक्रीन ग्लैंड नहीं है? देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें, हमारे दिमाग में होता है, हार्मोन सीक्रेट करता है। थायराइड गले वाला आ गया, हार्मोन सीक्रेट करेगा। एड्रेनल किडनी के ऊपर होता है, हार्मोन सीक्रेट करता है। जबकि पैनक्रियास की बात करिए, एक्सोक्रीन की कैटेगरी में आ जाता है। एक्सोक्रीन वो जो एंजाइम सीक्रेट करते हैं, डाइजेशन में काम आते हैं। तो पैनक्रियास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये एंडोक्रीन ग्लैंड नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेरिब्रम कंट्रोल, सेरिब्रम किसको कंट्रोल करता है? देखो, आपको एक सेरिब्रम है, सेरिब्रम तो होता है 4 ब्रेन का हिस्सा, लेकिन यहाँ पे सेरिब्रम पूछा है। सेरिब्रम जो है वो मिड ब्रेन का हिस्सा होता है, ठीक है, हिंड ब्रेन का हिस्सा होता है। तो सेरिब्रम के बारे में पूछना, तो सेरिब्रम क्या कंट्रोल करता है? सेरिब्रम जो है वो बॉडी की बैलेंसी को कंट्रोल करता है। और साइट की बात कर लो, स्मेल की बात कर लो, साइट आपको पता है वो मिड ब्रेन कर रहा था ना, साइट उसको हियरिंग और मतलब विजन वाला बोलते हैं, ऑर्गन बोलते हैं, वो हार्मोन बोलते हैं वो वाला। तो साइट वगैरह तो आ जाएगी मिड ब्रेन में, और स्मेल वगैरह आ जाएगी 4 ब्रेन में, और बैलेंसिंग कहाँ पे आती है? हिंड ब्रेन वगैरह में आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आउटर मोस्ट लेयर स्किन की उसको क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ह्यूमन फेस में कितने बोन्स होती है, मतलब फेशियल बोन्स की बात करें, 14 रहती हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो में हम 1000 लाइक का टारगेट रख के चलेंगे, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करनी है।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मास्टर एंडोक्रीन ग्लैंड, अब ये एंडोक्रीन ग्लैंड तो है लेकिन मास्टर एंडोक्रीन ग्लैंड कौन सा है? पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इसके भी बड़ा होता है वो हाइपोथैलेमस, उसको बोलते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड। यहाँ पे मास्टर पूछे ना मास्टर ग्लैंड तो वो पिट्यूटरी हो जाएगा, अगर सुपर मास्टर पूछेगा वो हाइपोथैलेमस हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच ऑर्गन बाइल जूस इज स्टोर्ड, बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है? आपको पता है बाइल जूस की बात करें तो ये आपके गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, फिर गाल ब्लैडर से होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जहाँ पे फैट्स की डाइजेशन वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो बाइल जूस होता कहाँ पे स्टोर है? गाल ब्लैडर में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रोमोसोम्स कितने होते हैं मैन में? 23 का पेयर होता है, 23 पेयर होता है, टोटल कितने हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीथ किसके बने होते हैं, दांत किसके बने होते हैं? कैल्शियम और फॉस्फेट के बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तभी टीथ का जो इनेबल है वो हार्ड एक्सेप्शन माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पीपल जिनका, ऐसे लोग जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है उनमें कौन सा एंटीजन होता है? जिनमें ए ब्लड ग्रुप होगा एंटीजन ए हो जाएगा, जिनका ब्लड ग्रुप बी होगा उसमें बी एंटीजन हो जाएगा, जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे आज के इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस, इनका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप इस लिंक को क्लिक करके खुद भी कभी भी देख सकते हो। बाकी किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।